का कल्याण करूंगा बैठ के। अब हां से भी विजयपुर वालों चिंता मत करना, योजनाएं ले लेकर तुम्हारे लिए भी आएंगे और अपनी है जिन्हें चैती खड़ा बनाया। इधर मंत्री तुलसीराम सिलावट खरगोन पहुंचे, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल को हनुमान बताया और पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार को जामवंत बताया। तुलसीराम सिलावट बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे थे, मीडिया से बात की, अब की बार 400 पार का नारा भी दे डाला। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते कि वो डबल इंजन की सरकार है, जो बोलती है वो करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का संकल्प समाज का समग्र विकास हो, इसीलिए मैं अपने समाज में आज आया हूँ, क्योंकि इस समाज को भी कम से कम 35 टिकट दिए थे, 28 विधायक एक मंत्री आपके सामने, इसी समाज का खड़ा है। इधर भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर सियासी हमला बोला और बहुसंख्यकों के प्रति कांग्रेस की मंशा अब लोगों के सामने आई है ये कहा। कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला ये भी कहा और कहा कि अब बहुसंख्यक समाज को जागना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जीत के लालच में देश के संविधान को दरकिनार कर। बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार आज बहस का मुद्दा बनी है, देश के सामने वो बातें आई हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ पिछड़ों के आरक्षण पर डाका नहीं डाला कांग्रेस ने, बल्कि एससी एसटी और पिछड़े सभी आरक्षणों पर डकैती की है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। व्यक्तियों का तो ठीक है, यहाँ तो पूरी पार्टी लगातार इस गलतियों को दोहराने का अपराध कर रही है, इसलिए मुझे लगता है कि देश को ताकत के साथ खड़ा होना होगा, खास करके वो बहुसंख्यक समाज एससी एसटी और ओबीसी। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा उसे इस कांग्रेस की मंशा को ध्वस्त करने के लिए ताकत के साथ इस यज्ञ में अपनी आहुति डालनी चाहिए। विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ही नसीहत दे रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि कोई गफलत में न रहे, सभी को तन मन से जुटने की जरूरत है, मन में ये बात न आने दें कि चुनाव एक तरफा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास अब भी अहम वोट बैंक है, सुस्त होकर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें मैदान में बराबर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अति आत्मविश्वास का परिणाम अच्छा नहीं निकलता। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट हैं तो कहीं नहीं जा रहे, और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण आपके लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की 47 सीटों पर। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग थी। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा गोयल जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, आत्मविश्वास है, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म विधेयक हो गया और तब वोटिंग कितनी हुई थी, केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इसी चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेंगे और पता चला अपने आप पर भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कमीशन खोरी को लेकर बेहद बड़ा खुलासा किया और कहा कि सांसद और विधायक को सबसे ज्यादा कमीशन बस स्टॉप बनाने में मिलता है।
थोड़ा बहुत मैंने भी लिया था, एक बस स्टॉप बनाने में 1-1 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। बीजेपी सरकार में मंत्री जोशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। 1 बस स्टॉप में 1 लाख रुपए मिलता है, सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सेंटर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। मैं बताऊं, मैं भी नहीं लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बता, मैं झूठी बोलता, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। इधर ग्वालियर से खबर आपको बता दें और बेहद बड़ी खबर है, बीजेपी की नेता हैं और उनका बयान आया है, वो बहुत बड़ा भूचाल मचा रहा है। ग्वालियर से बहुत बड़ी राजनीति में भूचाल मचा देने वाली खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता इमरती देवी का कथित वायरल ऑडियो जो है वो भूचाल मचा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को जिताना है, इमरती देवी का ये कथित ऑडियो बताया जा रहा है। कांग्रेस की मदद करने की बात इसमें हो रही है, भिंड प्रत्याशी फूल सिंह बरैया की मदद की बात हो रही है, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए गुप्त बैठक की बात हो रही है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इस ऑडियो में जो है वो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह के खिलाफ काम करने की बात भी इसमें हो रही है कथित तौर पर। सोशल प्लेटफॉर्म पर ये ऑडियो बहुत वायरल है। नहीं अपन तो चाची देखो अपन पूरी तो और क्षेत्र के लोगों ने भांडा तुम्हारा एक तरह का माइक है, तो अपने अपने लोगों की माई के बाद की मदद नहीं करेंगे, वही हम कह रहे हैं कि बस अपने लोगों को ये आश्वासन चाहिए, तो हम सब लोगों में या हम अपने फ़ोन से सबको नेक बोल दियो या फिर एक दिन आ जाइयो नेक टाइम दे दियो, तो चुपचाप गुप्त में एक मीटिंग रख लें या जैसो आप आदेश करो सो अपन कर लेंगे, अपन बरैया को आदेश कर रहा है आपके अनुसार है। और हमने वहाँ तो अपने घर ही है ग्वालियर, सो हमने होता है सबसे अपने बोल ही दी है, तो अपन बुरबीड़ो पाठक के लाने लगे हैं, वही हम कह रहे हैं। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील, इस वक्त इमरती देवी कहाँ हैं, क्या कह रही हैं, एक ऑडियो वायरल हो रहा है उन्हीं का कहा जा रहा है। बिल्कुल पुनीत, देखिए इमरती देवी से जब संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो पा रही है और इस वीडियो को लेकर ऑडियो को लेकर खास तौर पर अभी उनकी तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई है। हालांकि न्यूज 18 भी इस बात को साफ करता है कि ये ऑडियो कथित तौर पर है, इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, लेकिन जो दावा है जिन सूत्रों के जरिए ये वायरल हुआ है ऑडियो, उसमें ये दावा है कि इमरती देवी से ही बात हो रही है छोटे लीडर की, और उसमें साफ तौर पर इमरती देवी कहती नजर आ रही हैं कि वो बरैया का सहयोग कर रही है, भांडेर में उन्होंने सहयोग किया है। इसके अलावा पुरानी बातें भी उन्होंने कुरे दी है, जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जनपद पंचायत के चुनाव, उस दौरान भी इमरती देवी ने भारत सिंह का नाम लेकर कई जो है बातें कही है इस ऑडियो में। तो हालांकि इस ऑडियो में कितनी सत्यता है ये तो बात की बात है, जांच की बात है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनका दावा है कि इमरती देवी की ही आवाज है, उनका ही ये नंबर है जिससे बातचीत हुई है, लेकिन अभी इमरती देवी की तरफ से कोई सफाई नहीं हुई। लेकिन ये ऑडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से इमरती देवी सुर्खियों में और विवादों में है, और इस ऑडियो के बाद ये भी साफ है कि कहीं ना कहीं चाहे ग्वालियर सीट हो या भिंड सीट हो, सिंधिया की समर्थक इमरती देवी पार्टी के लोगों से ही नाराज है, प्रत्याशियों से ही नाराज है, और यही वजह है कि वो जो कांग्रेस के प्रत्याशी है ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों का सहयोग कर रही है। इस तरह की इस वीडियो में जो बातचीत है उससे ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि न्यूज 18 इस बात को साफ करता है कि ये पुष्टि नहीं है कि इमरती देवी का ही ऑडियो है, लेकिन पंकज सूत्र बताते हैं जो वायरल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है इमरती देवी का है, पहले आप सुन लीजिए कि क्या कह रही हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पंकज जी, वही हम कह रहे हैं, नहीं अपन तो चाची देखो अपन पूरी तो... और क्षेत्र के लोगों ने भांडा तुम्हारा एक तरह का माइक है, तो अपने अपने लोगों की माई के बाद की मदद नहीं करेंगे, वही हम कह रहे हैं कि बस अपने लोगों को ये आश्वासन चाहिए, तो हम सब लोगों में या हम अपने फोन से सबको नेक बोल दियो या फिर एक दिन आ जाइयो नेक टाइम दे दियो, तो चुपचाप गुप्त में एक मीटिंग रख लें या जैसो आप आदेश करो सो अपन कर लेंगे, अपन बरैया को आदेश कर रहा है आपके अनुसार।
है, और हमने वहाँ तो अपने घर ही है ग्वालियर, सो हमने होते सबसे अपने बोले ही दी है, तो अपन बुरबीरो पाठक के लाने लगे हैं। पंकज जी, न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये वायरल ऑडियो जो है इसमें भारत सिंह के खिलाफ काम करने की बात हो रही है, भिंड कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इमरती देवी का ये ऑडियो है, और इसमें जो नंबर जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो नंबर भी उन्हीं का बताया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है पंकज जी? देखिए पुनीत जी, आपने सबसे पहले इस खबर की शुरुआत करी कि न्यूज 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ऑडियो में आवाज उनकी है नंबर वन, ये ऑडियो सत्य है असत्य है। तो पुनीत जी, जिस प्रकार के षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस के लोग करते हैं, हमने देखा था छिंदवाड़ा चुनाव में किस प्रकार पैसे बंटवाए गए, शराब बंटवाए गए, नकली सीडी भाजपा के हमारे प्रत्याशी की तैयार कराकर बंटवाने की कोशिश करी, उसमें कमलनाथ जी के विश्वास मेघलानी जी को प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। तो हो सकता है ये वैसा कोई मामला हो, तो जब तक इस विषय की सत्यता सामने नहीं आती पुनीत जी कि वो वाकई ऑडियो भाजपा की नेता का है या किसी अन्य का है, आवाज उनकी है या नहीं है, तब तक कैसे इस बात को सत्य मानकर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए पंकज जी, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि दो बार आते आते वो विधानसभा पहुंचते पहुंचते रह गई, तो कहीं ना कहीं ये बातें चूंकि चुनाव का समय है और चर्चाएं इस बात की हो रही, तो इसलिए प्रतिक्रिया लेना जरूरी था। ठीक है, आप कह रहे हैं अच्छी बात है, उम्मीद करना चाहिए कि इमरती देवी बहुत जल्दी खुद सामने आ जाएंगी, बता देंगी कि ये इस ऑडियो की सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी सुशील बहुत शुक्रिया। और वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।